तो यह रहा TVS का हेलमेट क्लीनर जो मैंने 170 रुपीज़ में परचेज़ किया है। ये आपको इजीली मिल जाएगा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये रहा माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिससे मैं अपना हेलमेट साफ करने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा हेलमेट एक्सेल वेनमस, काफ़ी पॉपुलर हेलमेट है ये। रहा पूरा गंदा हो चुका है ये, काफ़ी पॉपुलर हेलमेट है ये मैंने ख़रीदा एक्सेल नहीं हुआ इसका, 7-8 महीना हो चुका है ये हेलमेट मैंने ख़रीदा हुआ। चलिए देखते हैं ये कैसा साफ़ करता है। मैं अभी पूरा स्प्रे करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा साफ़ करता है ये। पूरा फोम बेस है, दो मिनट से ऊपर हो चुका है, मैंने स्प्रे किया हुआ है। तो चलिए अभी देखते हैं साफ़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैंने इसका इनर शेल साफ़ कर दिया है, अभी देखते हैं आउटर शेल में ये कैसा करता है। बल्कि आउटर शेल तो मेरा नया जैसा ही है, फिर भी मैंने साफ़ कर देता हूँ मैं फिर से, देखते हैं कैसा होता है ये। फिर आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा साफ़ करता है, उसका मैं कितना पॉइंट देना चाहिए उसको, 5 out of कितना मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये रहा हेलमेट, आप देख ही सकते हैं हेलमेट ऐसा है। अभी पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है ये, मतलब मैं इसको 5 out of 4.5 दे ही दूँगा, काफ़ी अच्छा है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है ये। 170 रुपीज़, ये 3 बार तो चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन बाद बस हेलमेट को साफ़ करोगे, जब ज़्यादा गंदा होगा स्टिंग करने लगेगा, बदबू आने लगेगा अंदर से, तभी साफ़ करोगे आप लोग। जैसे कि ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पर, तो अगर आप सबको ये पहुँचता है और आप लोग अगर ये देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर दिल करे तो लाइक का बटन भी दबा देना, क्योंकि इन फ्यूचर में राइडिंग्स का ब्लॉग और ये सब लाइफस्टाइल ब्लॉग वगैरह डालूँगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।